हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो चेक बाउंस के केस में कंप्लेनेंट यानी कि शिकायतकर्ता के लिए एक अच्छी खबर लेके आई है। दोस्तों, कई बार चेक बाउंस के केस में अक्यूज्ड पक्ष प्रोसीडिंग्स को लंबा करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाता है, जिससे ताकि केस लेट हो और कंप्लेनेंट को अपना पैसा वापस ना मिले। तो दोस्तों, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है, जिसमें इन प्रोसीडिंग्स को लंबा नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका जल्दी से निपटारा करके अगर कंप्लेनेंट का केस जेन्युइन है तो उसको चेक बाउंस के पैसे वापस मिलेंगे। तो दोस्तों, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक बेंच, सिंगल बेंच, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विकास बहल ने एक जजमेंट में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं कंप्लेनेंट के पक्ष में, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन भी करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास है उसी वक्त आप पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम चेक का केस कंप्लेंट के तौर पर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल करते हैं, तो वहां पर जो अक्यूज पक्ष है वो अपने डिफेंस में तरह तरह की दलीलें देता है। उनमें से एक दलील ये होती है जो आमतौर पर कोर्ट्स में देखी जाती है कि ये जो चेक है जो बाउंस कराया गया है, ये एक सिक्योरिटी के तौर पे चेक दिया गया था जिसका कंप्लेनेंट ने मिसयूज़ किया और इसको बाउंस करवाकर सेक्शन 138 और 142 की कार्रवाई में इसको शामिल कर लिया। तो दोस्तों, इस संबंध में कि अगर मान लो चेक पर सिग्नेचर अक्यूज़ के हैं और बाकी की जो उसका कॉलम्स है, यानी कि कितना अमाउंट है, किसके खाते में जाना है, डेट है, और ये कोई और भरे, तो क्या जो है कंप्लेनेंट के ये बात पक्ष में जाती है या उसके खिलाफ जाती है। दोस्तों, यही एक मैटर था जो माननीय हाई कोर्ट के सामने पहुंचा, जहां पर एक व्यक्ति ने जो अक्यूज़ था चेक बाउंस के केस में, उन्होंने दलील दी कि जो है चेक पर सिर्फ मेरे सिग्नेचर हैं, बाकी अमाउंट, डेट और किसके खाते में जाना है, ये सब चीज़ें जो है कंप्लेनेंट ने अपने से भरी हैं, इसलिए एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपॉइंट करने की अनुमति दी जाए, ताकि ये पता चल सके कि ये अमाउंट और बाकी की डिटेल्स किसने भरी हैं। तो दोस्तों, जब ये केस हाई कोर्ट के सामने आया, तो माननीय हाई कोर्ट की टिप्पणियां मैं आपको बताता हूं कि बाउंस चेक को सिक्योरिटी के लिए दिया चेक बताकर कानूनी कार्रवाई से नहीं बचा जा सकता। ये एक अक्यूज़ का बहुत ही कॉमन डिफेंस होता है कि ये एक सिक्योरिटी चेक था और मेरी कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं बनती है, मेरा कोई डेट नहीं है किसी तरह का नहीं है, और ये चेक को मिसयूज़ किया गया है। तो माननीय कोर्ट ने कहा है कि आप बाउंस चेक को सिक्योरिटी के तौर पर दिए गए चेक बताकर अक्यूज्ड कानूनी कार्रवाई से नहीं बच सकता। चेक पर हस्ताक्षर मायने रखते हैं कि अगर हस्ताक्षर सही है, जो अक्यूज्ड है उसी के हस्ताक्षर हैं, तो तब जो है ये मायने नहीं रखता कि चेक पर बाकी चीज़ें किसने लिखी हैं, क्योंकि अक्सर लोन के मामलों में चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया जाता है और चेक को भरने की अथॉरिटी किसी और को दी जाती है। यानी कि मान लो एक बैंक है, तो वहाँ पर अगर मान लो सिक्योरिटी का चेक दिया गया है, तो सिर्फ अक्यूज़ के सिग्नेचर होते हैं उस पर, ड्रॉअर के सिग्नेचर होते हैं, बाकी सब चीज़ें जो बैंक के दूसरे कर्मचारी हैं वो उसको फिलअप करके बैंक में लगाते हैं। तो जस्टिस विकास बहल ने कहा कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की दलीलें सुनवाई को लंबित करने के लिए की जा रही हैं, यानी कि सुनवाई लंबी हो, केस में फैसला जल्दी से ना आए, इसलिए जो है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की बात की जा रही है, जिन्हें मंजूर नहीं किया जा सकता। हम किसी भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की अनुमति
नहीं देते। और ये मामला जो है हरियाणा के गुड़गांव का है, जिसमें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को नियुक्त करने की मंजूरी के लिए प्रार्थना हाई कोर्ट में दी गई थी। तो दोस्तों, इससे पहले ये एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में दी गई और केस का टाइटल था इसमें पद्म सिंह वर्सेज सुधीर कुमार। इसमें जो एप्लीकेशन दी गई, परमिशन टू एंगेज हैंड राइटिंग एक्सपर्ट फॉर सबमिटिंग इज रिपोर्ट, और क्योंकि जो है इसमें अक्यूज ने अपने दलील दी कि देर इज़ अ डिफरेंस इन राइटिंग ओवर चेक, कि चेक की राइटिंग में डिफरेंस है, यानी कि सिग्नेचर किसी और के हैं, सिग्नेचर उसके खुद के अपने हैं और बाकी का हिस्सा किसी और ने फिलअप किया है। और उसने मांगी, डायरेक्शन मांगी टू कंप्लेनेंट टू गिव हिज हैंड राइटिंग बिफोर एक्सपर्ट, की जो कंप्लेनेंट की हैंड राइटिंग है एक्सपर्ट के सामने ली जाए और फिर उसका मिलान जो चेक पे हैंड राइटिंग है उससे किया जाए। लेकिन कंप्लेनेंट ने इसमें कहा कि प्रेजेंट एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड जस्ट टू डिले द मैटर, के मैटर को जो है डिले करने के लिए इस तरह का जो है एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की बात की जा रही है। तो इस संबंध में जो ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला दिया था वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड एट द स्टेज ऑफ एविडेंस ऑफ डिफेंस, एविडेंस बीइंग लास्ट अपॉर्चुनिटी। ये एप्लीकेशन तब फाइल की गई जब डिफेंस का एविडेंस लास्ट अपॉर्चुनिटी पे था, यानी कि डिफेंस को अपना अक्यूज पक्ष को अपना जो है एविडेंस देना था कोर्ट में, लेकिन जैसे ही कोर्ट में एविडेंस देने की बात आई तो उन्होंने ये एप्लीकेशन लगा दी कि उनको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की अपॉइंटमेंट की जाए। और अक्यूज हैज़ नो स्पेसिफिक डिनाइल रिगार्डिंग सिग्नेचर ओवर चेक, की ये मान रहा है अक्यूज्ड कि चेक पे जो साइन है वो मेरे हैं और जो है बाकी हिस्सा उसका नहीं है। तो उसने ये डिनाई नहीं किया कि ये चेक पे सिग्नेचर जाली हैं या किसी और व्यक्ति ने करे हैं। तो यही काफ़ी है चेक बाउंस के केस में कि सिग्नेचर फर्जी नहीं होने चाहिए और सिग्नेचर उसी व्यक्ति के हैं अक्यूज़ के हैं, और ये वो बात मान रहा है। और जो 313 के बयान होते हैं दोस्तों चेक बाउंस के केस में, उसमें भी जो है अक्यूज़ ने कहा था कि चेक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जारी किया गया था, लेकिन चेक पर उसके हस्ताक्षर हैं ये उसने माना था। तो व्हेन सिग्नेचर ओवर चेक हैज़ नॉट स्पेसिफिकली डिनाइड, कि मान्य कोर्ट ने कहा था कि अगर वो जो है सिग्नेचर मान रहा है, उनको डिनाई नहीं कर रहा है, देर इज़ नो क्वेश्चन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट टू कंपेयर द हैंड राइटिंग, तो तब जो है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की कोई का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो वो हैंड राइटिंग चेक पर जो है वो कंपेयर कर सके। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही ख़ास तौर पे ये बात जो है सामने आई है कि जो डिलेइंग टैक्टिस होती हैं अक्यूज़ के द्वारा कार्रवाई को जो है लंबित करने की, ताकि उसको जो है जल्दी पैसा ना देना पड़े या केस का फैसला जल्दी ना हो, तो ऐसे में कंप्लेनेंट के पक्ष में ये एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट आई है कि जिसका फ़ायदा उठाकर अगर इस तरह की एप्लीकेशन कोई कोर्ट में फाइल की जाती है अक्यूज़ के द्वारा, तो तब जो है कंप्लेनेंट पक्ष इस तरह की जजमेंट का फ़ायदा उठा के केस को जो है जल्दी से डिस्पोजल पर ला सकते हैं। और दोस्तों, इसमें माननीय हाई कोर्ट की पहले भी एक जजमेंट आई है एक केस में, मैसर्ज सर्वो मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट थी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को ही लेके, उसकी जजमेंट का जो नटसेल है वो मैं आपको बताता हूँ कि डिसऑनर ऑफ चेक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि पेटिशनर एडमिटेड सिग्नेचर बट डिस्प्यूटेड द हैंड राइटिंग एंड इंक यूज्ड ऑन चेक गिवन, कि पेटिशनर ये मान रहा है कि चेक पर साइन उसके हैं लेकिन बाकी का हिस्सा हैंड राइटिंग और उसमें जो इंक इस्तेमाल की है, किस पेन से वो चेक भरा गया है, वो डिस्प्यूटेड है, इसलिए एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट एंड फॉर द रिपोर्ट ऑफ FSL टू बी राइटली डिसमिस्ड। इसलिए जो है
हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के लिए या FSL की रिपोर्ट मंगवाने के जो पेटिशनर की दलील है या डिमांड है, प्रेयर है, उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वो डिसमिस मानी जाएगी। तो दोस्तों ये क्लियर है कि कंप्लेनेंट को जो है के पक्ष में ये जजमेंट है। अगर उनका भी कोई ऐसा मामला लंबित पड़ा है किसी न किसी एप्लीकेशन की वजह से, तो वो जो है इस जजमेंट से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और केस में अर्ली डिस्पोजल के लिए जो है वो दलील दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।